सबका अपना अपना काम है। मैं आपको एक छंद सुनाता हूँ। ये छंद केवल मैंने लिखा सर, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं। बिच्छू से तीन पग दूर रहिए श्रीमान, आप माला पहनाना चाहते हैं? आइए आइए, आप मुझे माला माल कर दीजिए, बाद में धीरू भैया माला माल करेंगे। जितने रुपए दिए थे उतने की माला पहना दी भाई ने। तो हम एक छंद सुना रहे थे आपको, जैसा कि भाई साहब ने कहा था कि ये यहाँ के नेताओं के विषय में नहीं, हालांकि ये तो बोल लेंगे अपने अपने शहर चले जाएंगे, हम और अमित तो यहीं रहेंगे, इसलिए हम लोगों को डरना पड़ता है। चार पंक्तियां मैंने खोज की कि धरती में बहुत से जहरीले जानवर हैं, आत्मरक्षा करने के लिए किस जानवर से कितनी दूरी बना के रखना चाहिए। मुझ जैसा पशु ज्ञानी आपने धरती में नहीं देखा। कि बिच्छू से तीन पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो आठ पग भाग जाइए। बिच्छू से तीन पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो आठ पग भाग जाइए। और सिंह से बारह पग दूरियां बनाए रखें, भालू जो मिले तो पेड़ पर मत जाइए। अब बिसुखो परा से आप भी सब पग दूर रहें, प्रेत जो मिले तो हनुमत गुण गाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो जाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए। भाई साहब ने कहा कि तुमने छंद तो ठीक लिखा लेकिन इसमें बहुत बड़ी गलती है। हमने पूछा गलती क्या है, बोले जब नेता कह दिया था तो भ्रष्ट कहने की जरूरत क्या थी। हालांकि मैं इस तरह की भूल कर देता हूं। और भाई साहब कहां गए थे आप, ये भी पर्दे के पीछे से ही आ रहे हैं। सबका अपना अपना स्वरूप है, अपने अपने दृष्टि से लोग काम करते हैं। ये बता रहे थे अमित कि कौन व्यक्ति कहां से सीख लेता है। अभी पिछले दिनों मैं अपने शहर के एसपी महोदय से मिलने गया तो जो दरबार बैठे थे दरवाजे में, मैंने कहा कि आदरणीय मुझे एसपी महोदय से मिलना है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया। हमने कहा यह राष्ट्रीय चरित्र आपने कहां से सीखा, बोले हनुमान चालीसा से। मैंने कहा हनुमान चालीसा से, बोले हाँ, बोले तुमने पढ़ा, मैंने कहा पढ़ा है, बोले चिंतन नहीं किया होगा। हमने कहा आपने किया क्या, बोले किया। हमने कहा कहाँ लिखा, बोले स्पष्ट लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। कौन आदमी कहाँ से शिक्षा ले ले। आदरणीय देवी जी बैठी हैं, इनको प्रणाम करता हूं। अब बैठी है, धीरू भैया ने बुलाया है तो बैठी है। चार पंक्तियां और समर्पित करता हूं। मैं गांव गया तो मेरे पिताजी ने कहा कि एक आध बैल ले आओ खेत में काम करने के लिए। तो मैं एक पशु विक्रेता के पास गया, मैंने कहा मुझे बैल चाहिए। बोले तुम कवि हो क्या, हमने कहा ऐसा लोग मानते। बोले ठीक है कविता में बात करो। मैंने कविता में बात की कि एक पशु विक्रेता से मैंने कहा श्रीमान, नीच हो स्वभाव ऐसा पशु बतलाइए। एक पशु विक्रेता से मैंने कहा श्रीमान, नीच हो स्वभाव ऐसा पशु बतलाइए। पैर और सींग दोनों एक साथ मारता हो, बांका हो लड़ाका चाहे जिससे लड़ाइए। तो बोला विक्रेता कि ऐसा कोई पशु पास नहीं, आप पशुता का यो मजाक ना उड़ाइए। और नीच दुराचारी भ्रष्टाचारी पशु चाहते हैं, श्रीमान संसद भवन चले जाइए। नीच दुराचारी भ्रष्टाचारी पशु चाहते हैं। ये दोनों शांत बैठे हैं, जबकि मैंने इनकी उस कविता में भी वाह वाह किया जो मेरी अभी तक समझ में नहीं आई। लेकिन अब ऐसे बैठे हैं जैसे ऋषिमुख पर्वत में बंदर बैठे हैं।
सबका अपना अपना चरित्र है, ये सोच रहे हैं कि ये ज्ञानी है, ये लोग जान ना पाए। एक छंद और सुनाता हूं, अभी धारा 370 खत्म हुई तो सबसे अधिक आसाराम बापू खुश हुए, वो नाचने लगे जेल में। तो कुछ लोगों ने पूछा कि आप इतना प्रसन्न क्यों हैं, वो तो धारा 370 खत्म हुई है। बोले अभी 70 खत्म हुई है, फिर 71 खत्म होगी, फिर 72 खत्म होगी। समझ में आई हो तो? सब अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं, सबका अपना अपना स्वरूप है, अपने अपने दृष्टि से बात करते हैं। चार पंक्तियां असंभव अलंकार, असंभव ये मैंने लिखा क्योंकि मैं ज्ञानी हूं कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। राम बेटा सुनो, हमको भी सुनो। अच्छा बहुत अच्छा। कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से, श्वास प्रतिश्वास से पवन जुदा हो जाएगी, रोशनी जुदा हो जाए भोर से बिहान से, तो संभव हो फूल से भी खुशबू जुदा हो जाए, रागनी जुदा हो जाए स्वर से वतान से, किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दे कि पिताजी ने मुझसे कहा कि चुनाव आ रहे हैं, राजनीति में चले जाओ। मैंने कहा ना जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? मैंने कहा नारायण साईं नहीं हूं जो अपने पिता की बात को मानूं। बोले तुम जीवन में क्या कर सकते हो? सर मैंने कुछ ऑप्शन दिए कि मैं क्या कर सकता हूं। स्वागत कि कहोगे तो खर के चरण चूम लूंगा पिता, कहोगे तो कुत्ते का कुत्रत्व अपनाऊंगा, कहोगे तो खर के चरण, ये सोच रहे कि एक पहले से दूसरा हो जाएगा, कहोगे तो खर के चरण चूम लूंगा पिता, कहोगे तो कुत्ते का कुत्रत्व अपनाऊंगा, कहोगे तो नीचता की सारी हदें तोड़ दूंगा और महानीच की उपाधि घर लाऊंगा, कहोगे तो सर्प के बिलो में ही रचू बसूंगा और सिंह की गुफा में आसन जमाऊंगा, किंतु मेरे पिता आप मुझको तो माफ करें, मैं कभी भी भ्रष्ट राजनीति में न जाऊंगा, किंतु मेरे पिता आप मुझको तो माफ करें, मैं कभी भी भ्रष्ट राजनीति में न जाऊंगा। अयोध्या में जो निर्णय आया वो सबके सामने है। उसके पहले जज के द्वारा ये कहा गया कि राम अयोध्या में पैदा हुए, ये पता सबूत लेके आइए। तो कुछ लोग गए वहां खोदने लगे। हमने पूछा काहे खोद रहे हैं? बोले हम पता लगा रहे हैं कि राम पैदा हुए कि नहीं। हमने बताने की कोशिश की कि राम कौन सी खुदाई में मिले। कौन सा पिया है जाम, बुद्धि हो गई बेराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। वाह 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 वाह। कौन सा पिया है जाम, बुद्धि हो गई बेराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे, कौशल्या के अंगना में, वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। कौन सा पिया है जाम, बुद्धि हो गई बेराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे, कौशल्या के अंगना में, वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे, कण कण में है राम, पग पग में है राम, राम हनुमान के सीने में मिल जाएंगे, और ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम, खुदा की खुदाई में श्री राम मिल जाएंगे, ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम। और एक भजन सुना देता हूं, देवी को देखिएगा और मेरा भजन सुनिएगा।
आदरणीय बिजली विभाग के जो अधिकारी आए हैं, आपको बताऊं रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद देश का मैं दूसरा इतना समर्थ कवि हुआ जिसने ये भजन लिखा। ये अलग बात है कि ये बात केवल मैं मानता हूं। ताली बजाइए। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। यहाँ कुछ भूखे पड़े उतान, रहे कुछ हलवा पूरी छान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। एक भ्रष्टाचारी का निधन हुआ तो उनकी आत्मा ऊपर नहीं पहुंची। यमराज हैरान और परेशान, यमराज ने हम दूतों को भेजा, हमने तलाशा देखे कहां मिली, कि एक भ्रष्टाचारी गया जीव यम लोक पहुंच ना पाया। एक भ्रष्टाचारी गया जीव यम लोक पहुंच ना पाया, और सांसत में यमराज ढूंढने को यम दूत पठाया। अटके थे कुर्सी में प्राण, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। अभी सरपंची के और तमाम चुनाव आ रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच ने कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन दिया कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है, और नीचे अंगूठा लगाया कि राम राज्य का गांव में मेरे अजब खींचा है खाका। राम राज्य का गांव में मेरे अजब खींचा है खाका, और पिए बिलायती मधुरस अपने झूम रहे हैं काका। ओ काकी होई गई ले प्रधान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। जिसके लिए कविता लिखी, टीवी में एक सीरियल आने वाला था, मैं शायर तो नहीं, मैं भी ऑडिशन देने गया, तो ऑडिशन लेने वाले ने कहा कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने इस लाफ्टर वाले को तैयार किया, उस लाफ्टर वाले को तैयार किया। जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि आप इस देश में रहीम रसखान कबीर पैदा किए होते तो देश आप पर गर्व करता, इन जोकरों को पैदा करके आप चाहते हैं देश आप पर गर्व करे। तब मैंने जो बात उनसे कही कि कविता का धर्म क्या बचा, कि सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा, सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा, और नीरस कविता रस खानों की दाम भक्ति में मीरा। अतुलसी देख देख हैरान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और वो देवी मंच से अदृश्य हो गई, और धीरू भैया भी अदृश्य हैं। अच्छा आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वो भजन जिसके लिए मैंने कहा था वो 1.5-2 मिनट का है, स्वागत आराम से। तब तक आदरणीय भी आ रही हैं, इससे आपको मेरा चरित्र चित्रण भी दिखाई देगा। तेरा जिंदगी में आना, अब जैसे ये लड़का है शादी विवाह करना चाहिए, देश की जनसंख्या बढ़ाने में हम लोगों की तरह सहयोग करना चाहिए, क्या मतलब इस तरह। तेरा जिंदगी में आना, दर्द देखिएगा सर, दर्द आने के बाद क्या दर्द होता है। दादाजी ऐसे सुन रहे हैं जैसे मैं उनकी चरित्रावली बांच रहा हूं, आत्मकथा आत्मकथा। तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया, तेरा रूठना मनाना गजब हो गया। और दर्द देखिएगा कि दो दो सीमों में तेरे बैलेंस मैं भराऊं। वाह, एक साढ़ू भाई हमारे वहां से बोले। दर्द हमारा आदमी बोलता है। दो दो सीमों में तेरे बैलेंस मैं भराऊं। देवी का आगमन हो रहा है, आप तालियां बजाइए।
मैं अगर इस भजन को गाते गाते मोक्ष भी पा जाऊं देवी के सामने तो मुझे, अब आप इनको देखिए सुनिए। दो दो सिमों में तेरे बैलेंस मैं भराऊं, खाली हुआ खजाना गजब हो गया, तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया, तेरा रूठना। और समझिएगा भाई बहुत अच्छे, कि जितने थे पूर्व प्रेमी यमलोक को गए सब, अब इस तरह छुपे बैठे हैं तो हम क्या करें। जितने थे पूर्व प्रेमी यमलोक को गए सब, मैं आखिरी दीवाना गजब हो गया, तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया। और सुंदरता देखिए सर, इतना खूबसूरत जो मैंने वर्णन किया है, मैं खुद मुग्ध हो जाता हूं इस लाइन से कि तुझसे नजर मिले तो मेरी रूह कांप जाए, तुझसे नजर मिले तो मेरी रूह कांप जाए, बाघिन हो की जनाना गजब हो गया, तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया। और अंतिम पंक्तियां हैं, इतनी घनघोर श्रृंगार की पंक्तियां हैं सर, इतनी घनघोर, ले जाओ चाय ले आना जब हम बैठ जाएं तब, अभी ना पिला देना ठीक है। इतनी घनघोर श्रृंगार की पंक्तियां हैं कि ना आज तक किसी कवि ने इतना घनघोर श्रृंगार लिखा और ना बाद में पैदा होगा। मैं खाना छोड़ करके सब इसको पी रहे हैं, शांत हो गए आप। मैं खाना छोड़ करके सब इसको पी रहे हैं, तेरा झील पर नहाना गजब हो गया, तेरा जिंदगी में आना। बोलिए राधा रानी सरकार की।